चुनाव आयोग में हमारा भरोसा तोड़ा, ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने। मीटिंग में कुछ और कहते हैं लेकिन होता कुछ और है, ये आरोप है फारूक अब्दुल्ला का। So you don't have trust on election commission? It's not a question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें आपने कहा है, लेकिन अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज सच है, क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग का विरोध हुआ है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग, जिसके बाद तस्वीरें देखिए, बजरंग दल ने ऑल पार्टी मीटिंग जो फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई थी उसका विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी अंकित भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, अंकित लाइव जुड़ गया हमारे साथ में। अंकित, पहली बात कि बजरंग दल क्यों विरोध कर रहा है ऑल पार्टी मीटिंग का, और क्या फारूक अब्दुल्ला की ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ खास निकलकर सामने आया है? अंकित, देखिए दो बातें हैं कि बजरंग दल की तरफ से जब भी गुपकार यहाँ पर बैठक करता था जम्मू में, तो हमेशा बजरंग दल उसका विरोध करता है। बजरंग दल का साफ तौर पे कहना है कि इनका एजेंडा कुछ और होता है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आज इसी घर के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जम्मू वाले आवास पर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मनीष सानी जो कि शिवसेना के हैं, ये खुद उस मीटिंग का हिस्सा थे। इन्हीं से बात करते हैं, कमेटी गठित करने की बात कही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और आज ऐसा क्या हुआ? आप ही की शिवसेना थी जो इनका विरोध करती थी, आज आप इस पार्टी, आज इस मीटिंग का हिस्सा बने आप। देखिए, एजेंडा जो था, आप एजेंडे को समझिए, एजेंडा था जम्मू कश्मीर की आवाम का हित, एजेंडा था जम्मू कश्मीर के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको रोकना। देखिए, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता था, हम गर्व के साथ कहते थे देश का ताज है, देश का मुकुट है, आज उस जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर है इलेक्शन रोजगार के लिए। जब इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि जो बात निकल कर सामने आ रही है 25 लाख वोटर की, वैसा कुछ है ही नहीं, फिर भी आपको ट्रस्ट? कमीशन ने कुछ भी साफ नहीं किया, तमाम पार्टियों से हमारी बातचीत हो चुकी है। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आपने भी वो इलेक्शन कमीशन की बैठक कवर की होगी, बताइए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है? हमें चुनाव आयोग बताए कि क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है गैर स्थानीय लोगों को यहां पर वोट का हक देने का? ना तो उनके यहां पर मकान है, ना ही वो यहां पर जो है उनकी कोई व्यापार है। तो आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर, बीजेपी